हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। आज हम लोग न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, कैलेंडर चैप्टर। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग कैलेंडर के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, और इसमें हम लोग को कैलेंडर जो चैप्टर है उसमें हम लोग को मेन बात ये याद रखना है कि जो हम लोग को पता है कि जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हम लोग का कितना दिन का होता है। तो नॉर्मल ईयर हम लोग का होता है 365 दिन का होता है, जिसमें 365 दिन, जिसमें जो हम लोग का जो फरवरी होता है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। और हम लोग कैलेंडर में ये भी जानते हैं कि जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर किसको बोलते हैं, तो लीप ईयर होता है हम लोग का 366 दिन का, 366 डेज का। और इसमें जो फरवरी होता है वो कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। ठीक है, इसमें फरवरी कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। अगर हम लोग को फाइंड करने बोले कि अगर हम लोग को कोई साल दे दिया गया हो, ईयर दे दिया गया, अगर हम उसमें उसमें हम लोग को निकालने के लिए बोल दे कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉन लीप ईयर है, मतलब कौन सा नॉर्मल ईयर है, तो अब वो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोग को दे दिया जाए कि हम लोग को निकालना है 2017, ये हम लोग को लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सिंपली लीप ईयर और नॉन लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करना रहता है, हम लोग को 4 से डिवाइड देना रहता है। अगर वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो गया तो मतलब कि वो क्या है, लीप ईयर है। अगर नहीं हुआ तो वो नॉन लीप ईयर है, मतलब कि वो नॉर्मल ईयर की तरह है, जिसमें हम लोग का फरवरी जो होगा वो 28 दिन का होगा। तो जब इसको हम लोग 2017 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, इसमें हम लोग का रिमाइंडर आ जाता है, 1 आ जाता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जानते होंगे कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ पूरा पूरा 4 से डिवाइड, मतलब कि उसमें रिमाइंडर हमारा बच जाएगा, और इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, मतलब कि ये हमारा क्या है, नॉर्मल ईयर की तरह है। अगर हम लोग को बोला जाए कि 2016 ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, अगर इसमें ये हम लोग को बताना रहे तो सिंपली क्या करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे, और जब 4 से इसको डिवाइड देंगे तो 2016 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा क्या है, लीप ईयर है। लेकिन अगर हम लोग का क्या दे दिया गया, सेंचुरी ईयर दे दिया गया, शताब्दी वर्ष, मतलब जिसके लास्ट में क्या रहे, 100 रहे, जो सेंचुरी ईयर दे दिया गया उसमें हम लोग को बताना है कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, अगर वो हम लोग को बताना रहे तो उसमें क्या करना है, 4 से नहीं डिवाइड देना है बल्कि 400 से डिवाइड देना है। जैसे हम लोग का सेंचुरी ईयर हो जाएगा हम लोग का 1800, 1700, 1600, ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा, सेंचुरी ईयर हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग को बताना है कि हम लोग का लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, उसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 400 से डिवाइड देंगे, सभी को क्या करेंगे, 400 से डिवाइड देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉन लीप ईयर है। तो जब इसको हम लोग 400 से डिवाइड देंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब कि ये हमारा कौन सा है, नॉर्मल ईयर है। ये हमारा कैसा है, नॉर्मल ईयर है, जिसमें कि फरवरी हमारा कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा। फिर हमारे पास 1700, 1700 को जब 400 से डिवाइड देंगे तो ये कितना आएगा, मतलब इसमें भी हम लोग क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, और कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये इसमें एक नहीं, मतलब इसमें कितना बच जाएगा, तो 100 बच जाएगा। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का क्या है, नॉन लीप ईयर है। जब इसको पूरा पूरा डिवाइड देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसमें हम लोग का रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा, मतलब कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को लीप ईयर निकालना था तो सिंपली क्या करेंगे, अगर सेंचुरी ईयर दिया है तो उसमें 400 से डिवाइड करना है, अगर सेंचुरी ईयर नहीं रहा, ऐसे ही 2017, 2016, 15 या फिर 1948, 47 ऐसे दिया रहा तो उसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे। तो हम लोग को नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कौन कौन है ये हम लोग को पता चल जाएगा। अगर हम लोग को बोला जाए कि 200 शताब्दी, जैसे हम लोग को दिया रहे कि 200 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, 200 साल में कितने लीप ईयर आएंगे ये हम लोग को निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। लेकिन 50 हमारा नहीं आएगा, 50 से कितना कम जाएगा, -2 कम जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्योंकि जो 100 है, 100 लीप ईयर होगा कि नहीं होगा ये हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, 100 से 400 से डिवाइड देंगे, ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ये जो हमारा 50 आया, ये जो हम लोग 50 लीप ईयर लेकर आए हैं वो क्या हो गया, 100, और जो 200 है वो 400 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ये हमारा भले ही 4 से डिवाइड हो जा रहा है लेकिन हम लोग का क्या हो रहा है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कि ये जो 2 है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया, 48 हो गया। वैसे ही अगर बोला जाए कि 300 साल, मतलब कि 300 साल में कितना लीप ईयर आएगा, तो 300 साल के लिए क्या याद रखना है, तो 300 साल के लिए कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। वैसे ही अगर बोला कि 400 साल में हम लोग को कितना लीप ईयर आएगा, तो कितना आ जाएगा, 90
सेवन आ जाएगा। इसको यहां पे लिख देते हैं, हम लोग को बोला जाए कि 100 साल में कितना लीप ईयर रहेगा, तो 100 साल के लिए कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर 200 साल में कितना लीप ईयर रहेगा, तो 200 साल में कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। 300 साल के लिए कितना लीप ईयर रहेगा 72 मतलब कि 72 हो जाएगा। और 400 साल के लिए कितना लीप ईयर हो जाएगा 97 हो जाएगा। तो ये हम लोग को ये लीप ईयर याद रखना है कि 100 साल में, 400 साल में या फिर 300 साल में कितना लीप ईयर आएगा वो हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग को आगे देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे कि ऑड नंबर किसे बोलते हैं। तो सिंपली इसमें याद रखना है कि अगर कोई भी हम लोग को जैसे नंबर दिया गया है और उसमें अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी क्या बचे, रिमाइंडर बचे, जो भी क्या बचे रिमाइंडर बचे, उसी रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं। अब हम लोग को ये पॉइंट याद रखना है कि ऑड डेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। कोई भी नंबर दिया गया है अगर ऑड डेज निकालना है तो सिंपली क्या कर देना है, उसको 7 से डिवाइड दे देना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑड डेज हो जाएगा। और अब हम लोग दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि हम लोग को ये हम लोग को याद रखना है क्या, इधर हम लोग लिख देते हैं ऑड डेज और इधर लिख देते हैं, जैसे हम लोग का ऑड डेज दिया रह गया कि हम लोग का ऑड डेज जो रिमाइंडर आ गया वो हम लोग का 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, जो हमारा हम लोग का जो 7 का जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 0 से 6 के बीच में ही रहेगा। अगर 7 रह गया वो तो हम लोग का पूरा पूरा डिवाइड ही हो जाएगा, तो मतलब 0 रिमाइंडर ही रह गया, 5 रह गया, 6 रह गया और कितना रह गया, 0 रह गया। जब हम लोग किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर क्या आएगा, 0 से 6 के ही बीच में आएगा। तो इसमें हम लोग को याद रखना है, जब एक हम लोग का ऑड डेज आएगा तो एक को क्या बोलेंगे, मंडे बोलेंगे, दो को क्या बोलेंगे, तो दो हमारा कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। इसको याद कैसे रखना है, तो हम लोग का जो वर्किंग डे होता है मतलब कि हमारा जो भी स्कूल होता है वो क्या होता है, संडे को ऑफ रहता है, मतलब कि वो उसको क्या मानते हैं, जीरो दिन मानते हैं, मतलब वो जीरो है, मतलब कि आज हम लोग का क्या है, ऑफ है। फिर हम लोग का मंडे क्या होता है, पहला दिन जाते हैं स्कूल, तो क्या होता है, पहला दिन होता है। संडे के बाद क्या होता है, मंडे, मंडे क्या होता है, पहला दिन, ट्यूसडे दूसरा दिन। फिर तीसरा में क्या याद रखेंगे, तो वेडनेसडे याद रखेंगे। चौथा क्या याद रखेंगे, ये हम लोग का थर्सडे। पांचवा में कौन सा आ जाएगा, फ्राइडे। और छठा में क्या आ जाएगा, सैटरडे। और जो हमारा जीरो में कौन आ जाएगा, संडे आ जाएगा। ये हम लोग को क्या रखना है, याद रखना है कि अगर दो पूछा गया कि दो ऑड डेज है तो कौन सा हो जाएगा, तो ट्यूसडे हो जाएगा। पांच तो फ्राइडे, छह सैटरडे, चार थर्सडे, ऐसे करके हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। जैसे बोला जाए कि अगर हम लोग को यही पे क्वेश्चन रह जाए कि जैसे बोलिए कि आज हम लोग का कौन सा दिन है, तो अगर कोई भी एग्जांपल ले लेते, जैसे आज हम लोग का फ्राइडे है, ठीक, अगर फ्राइडे है, मंडे है, ट्यूसडे, कुछ भी रहे, और उसमें बोला जाए कि आप बताइए कि 23 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ये हम लोग को बताना है कि अगर टूडे इज फ्राइडे आफ्टर 23 डेज, मतलब कि 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा अगर आज हम लोग का फ्राइडे है, तो वो हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो 23 दिया गया है उसमें क्या करना है, हम लोग को 7 से डिवाइड देना है। तो जब इसको 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब हम लोग को 23 दिन बाद पूछा गया है तो सिंपली क्या करेंगे, फ्राइडे में क्या कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे। तो जब फ्राइडे में जब प्लस 2 करेंगे, तो फ्राइडे में जब प्लस 2 करते तो क्या आ जाता है, संडे आ जाता है, मतलब कि कौन सा दिन रहेगा, तो संडे रहेगा। फ्राइडे के 2 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा, तो मतलब फ्राइडे, अगर आज हम लोग का फ्राइडे है, 23 दिन बाद क्या रहेगा, संडे रहेगा। 23 दिन बाद पूछा गया तो क्या रहेगा, संडे रहेगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसमें कुछ और देख लेते हैं। ये तो हम लोग का हो गया ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर 7 से डिवाइड देंगे जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा ऑड डेज हो जाएगा। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, 0 हमारा क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। अगर हम लोग का क्या बोला गया कि हम लोग को निकालना है कि हम लोग को क्या दिया गया हो, जैसे हम लोग का एक सेंचुरी ईयर गिवेन हो, जैसे हम लोग का क्या दिया है, सेंचुरी ईयर, जैसे हम लोग का आ गया कि 1900 हम लोग का गिवेन है, इसमें हम लोग को निकाल के बताना है कि ऑड डेज कितना होगा। तो इसमें ऑड डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको 400 से डिवाइड देंगे। इसमें ऑड डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 400 से डिवाइड देंगे। तो जब 1900 को जब 400 से डिवाइड देंगे तो कितना आ गया रिमाइंडर, 300 आ गया। कितना आ गया रिमाइंडर, सेंचुरी ईयर में ऑड डेज निकालने के लिए क्या करना है, 400 से डिवाइड देना है। तो इसमें हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 300 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अब जब हम लोग को, जब हम लोग सेंचुरी ईयर का ऑड डेज निकाल रहे हैं और उसमें हम लोग को क्या निकालना है, ऑड डेज निकालना है, तो उसमें हम लोग को जब हम लोग का रिमाइंडर 300 आ जाए तो उसमें हम लोग को क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर रिमाइंडर हम लोग को 100 आ जाता है, बाई चांस कि हम लोग का 100 रिमाइंडर आ जाता है, तो उसमें जो ऑड डेज होता है वो 5 होता है।
अगर रिमाइंडर हम लोग का 200 गिवन रहता तो 200 के लिए क्या हो जाता, 3 हो जाता, और हम लोग का रिमाइंडर अगर हम लोग का 300 आ गया तो 300 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 400 में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि हम लोग को सेंचुरी ईयर का ऑड डेज निकालने के लिए 400 से डिवाइड देना है, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसके लिए हम लोग को क्या याद रखना है कि 300 रिमाइंडर आ गया, मतलब इसमें ऑड डेज कितना हो जाएगा, एक ऑड डेज हो जाएगा। देखिए 300 के लिए कितना ऑड डेज हो गया, यहाँ पे एक ऑड डेज हो गया, ठीक है। तो वैसे ये वाला आप लोग को ये वाला पॉइंट याद रखना है, कौन सा पॉइंट, ये कि अगर हम लोग 400 से डिवाइड दिया और रिमाइंडर हम लोग 100, 200, 300, 400 में कोई भी अगर आ गया तो उसका ऑड डेज क्या होगा, और ये मंडे एक और ट्यूजडे दो, ये भी हम लोग को याद रखना है ऑड डेज। और ऑड डेज निकालते कैसे, तो डिवाइड बाई 7 करना है, सेंचुरी को क्या करना है 400 से डिवाइड देना है, लीप ईयर निकालने के लिए क्या करना है 4 से डिवाइड देना, और सेंचुरी ईयर गिवन रहेगा तो उसको हम लोग को 400 से डिवाइड देना है। जैसे यहाँ पे हम लोग को क्या आ गया, 100 आ गया, 100 के लिए कितना हमारा, 100 में अगर 100 साल मतलब 100 वर्ष है तो उसमें हम लोग को कितना लीप ईयर आ गया, तो 24 लीप ईयर आ गया। 200 में कितना लीप ईयर आता है, तो 48 लीप ईयर आता है। 300 के लिए 72 लीप ईयर, और 400 के लिए 97 लीप ईयर। यहाँ पे कितना लीप ईयर आएगा, 400 साल में कितना लीप ईयर आएगा, ये वो गिवेन है। और यहाँ पे गिवेन है कि 400 हमारा जो रिमाइंडर आया 400 या फिर 300, ये हमारा क्या गिवेन है, इधर वाला हमारा ऑड डेज गिवेन है। तो ये आप लोगों को क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। बाकी ये कहाँ से आए, ये हम लोग का केवल और केवल क्या है, प्रैक्टिस बैच है, तो हम लोग बस केवल और केवल प्रैक्टिस पे ही फोकस करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिस करते हैं, और यहाँ से आप लोग को क्या हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट जो भी बताए थे वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, इफ फ्राइडे फॉल ऑन 15 सितंबर 1992, व्हाट विल बी द डे ऑफ 26 दिसंबर 1992। मतलब कि 15 सितंबर 1992 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था, तो हम लोग को निकालना है कि 26 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन होगा, ये हम लोग को निकाल के बताना है। तो सिंपली इसमें क्या करना है, हम लोग को क्या दिया गया, जो भी पहले दिया गया उसको लिख लेंगे। तो क्या है हम लोग का 15 सितंबर 1992, 1992 को 15 सितंबर 1992 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है 26 दिसंबर 1992 का निकालना है, 26 दिसंबर 1992 का निकालना है। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें सिंपली क्या करना है, जब हम लोग का ईयर्स क्या दिया गया है, सेम दिया गया है, तो 15 दिसंबर से 26 दिसंबर तक क्या करेंगे, वहां तक हम लोग जाएंगे। तो सिंपली देखेंगे कि 15 सितंबर है, अभी कौन सा दिन है, 15 सितंबर है, और उसमें हम लोग का अभी सितंबर में कितना दिन और बाकी है, तो अभी जिसका भी दिया रहेगा उसमें देखना है कि कितना दिन अभी और बाकी है। तो सितंबर हम लोग को पता है कि वो 30 दिन का होता है, कितना दिन का होता है सितंबर, 30 दिन का होता है। तो मतलब कि 15 दिन तो हमारा हो चुका है, बाकी हमारा कितना दिन बचा, 15 दिन और बचा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे, ठीक है। सितंबर के बाद हमारा क्या आता है, देखिए सिंपली अगर नहीं समझ में आया तो क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे सितंबर से कहाँ जाना है, दिसंबर तक जाना है, क्योंकि यहाँ तो हम लोग का ईयर सेम है, हम लोग किससे मतलब है, बस हम लोग को 15 सितंबर से 26 दिसंबर तक का ही मतलब है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सितंबर लिखेंगे, सितंबर के बाद क्या आता है अक्टूबर, फिर हमारा क्या आएगा नवंबर, और हमारा क्या आएगा दिसंबर आएगा। इतना हम लोग पहले लिख लेंगे, ये हम लोग एसओ एनडी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस हम लोग क्या लिखे मंथ का आगे स्टार्टिंग वाला नाम लिख लिए। तो सितंबर हमारा क्या हो गया, 15 हो गया, तो इसमें हम लोग को कितना दिन बचा हुआ है, तो 15 माइनस 30 माइनस 15 करेंगे तो कितना दिन बच गया, 15 दिन अभी बचा हुआ है। प्लस अक्टूबर हम लोग को कितना दिन का होता है, तो अक्टूबर हम लोग का होता है, अक्टूबर हम लोग को कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे जो भी लिखेंगे ऑड डेज लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 7 से इसको भी डिवाइड करके लिख लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग बना रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 15 लिख लेंगे। अगर आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा तो बाद में डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग स्टार्टिंग से बना रहे, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 15 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हम लोग का अक्टूबर में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 आ गया, वो हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 28 बचा हमारा कितना, तो 3 बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। मतलब कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 3 बच गया, तो ऑड डेज कितना हो गया, 3 हो गया। फिर नवंबर के लिए ऑड डेज, तो नवंबर में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है, और इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो ऑड डेज कितना आ जाएगा, तो 2 ऑड डेज आ जाएगा। फिर हमारा आता है दिसंबर, दिसंबर हम लोग को पूरा नहीं लेना है, दिसंबर हम लोग को कहां तक लेना है, 26 दिसंबर तक ही लेना है,
मतलब कि यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 26 लिख लेंगे। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे ईयर है, तो ईयर तो हम लोग का सेम है, तो इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे 15 को और भी हम लोग ऑड डेज में बदल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 15 को क्या लिख सकते हैं, जब इसको 15 को 7 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, एक बचेगा, 1 + 3 + 2। अब हमारा क्या है, 26। 26 को जब 7 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 26 को जब 7 से डिवाइड देंगे तो कितना बच जाएगा, हम लोग का 5 बच जाएगा। अब सभी को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे आप लोग वैसे भी जोड़ सकते थे 15 + 31 + 30 + 26, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में तो हम लोग को 7 से डिवाइड देके उसका ऑड डेज ही निकालना है। तो सिंपली क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग ऑड डेज निकालते हुए चलते हैं ताकि आगे कैलकुलेशन हमारा इजी होते जाए। यहाँ पे क्या है, 5 + 2 = 7, 7 + 3 = 10, और ये क्या हो गया, 11 हो गया। अब हम लोग को कितना आ गया, 11 आ गया। 7 से कितना ज्यादा है, 7 से ये ज्यादा आ गया, मतलब कि इसमें भी हम लोग को 11 को भी 7 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो जब 11 को 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग में फ्राइडे में +4 करेंगे कि -4 करेंगे, वो हम लोग को निकालना है, वो हम लोग को देखना है कि +4 करना है कि -4 करना है फ्राइडे में। तो देखिए, 15 सितंबर से 26 दिसंबर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि आगे की ओर बढ़ रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे, फ्राइडे में क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो जब फ्राइडे में हम लोग +4 करेंगे, तो फ्राइडे में जब +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्यूजडे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ट्यूजडे आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे फ्राइडे है, फ्राइडे में क्या करना है, +4, तो फ्राइडे में सैटरडे, संडे, मंडे और क्या आ गया, ट्यूजडे आ गया। तो चौथा दिन हमारा कौन सा आ गया, ट्यूजडे आ गया। मतलब 26 दिसंबर 1992 को अगर आप ये देखेंगे तो क्या रहेगा, ट्यूजडे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया गया, इफ फ्राइडे फॉल ऑन 26 जनवरी 1904, 26 जनवरी 1904 को फ्राइडे था, तो 9 जून 1904 को कौन सा दिन होगा। तो सिंपली इसमें क्या करना है, जो हम लोग को गिवन है वो हम लोग को क्या करना है, लिख लेना है। तो 26 जनवरी 1904 को कौन सा दिन था, तो 26 जनवरी 1904 को हम लोग का फ्राइडे था। तो हम लोग को किसका निकालना है, 9 जून 1904 का निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे पहले कितना बाकी है, हम लोग पहले जनवरी से जून तक लिख लेंगे, तो जनवरी, लेकिन एग्जाम में ऐसे जनवरी फरवरी ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है, सिंपली वहां पे हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर क्या है हम लोग का, मई, और क्या है हम लोग का, जून है। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पे जनवरी है, कितना जनवरी है, 26 जनवरी से कहाँ जाना है, 9 जून तक जाना है। तो सबसे पहले हम लोग को किसका निकालना है, जनवरी का निकालना है। तो जनवरी में जो हमारा, जनवरी में हम लोग को कितना दिन बचा, तो जनवरी हम लोग का होता है 31 दिन का, और 26 जनवरी तक का काम हो चुका है, तो बचा हम लोग का कितना दिन, 5 दिन बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब हम लोग का क्या है, फरवरी, तो फरवरी हम यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे हम लोग का फरवरी जो होगा वो कितना दिन का होगा, 1904 में जो फरवरी होगा, तो हम लोग को पता है कि 1904 एक लीप ईयर है, और फरवरी में जब लीप ईयर होता है तो फरवरी हम लोग का कितना दिन का होता है, 29 दिन का होता है। जब इसका ऑड डेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे से हम लोग जब ऑड डेज निकालने जाएंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1 बचेगा, तो हमारा ऑड डेज भी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर है हमारा मार्च, मार्च हम लोग का कितना दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है। जब इसको 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। सिंपली याद रखेंगे कि अगर जो भी महीना हम लोग का 30 दिन का है उसमें हम लोग का रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 31 दिन वाले में हम लोग का कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। बार बार यहाँ पे 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा क्या है, अप्रैल, अप्रैल कितना दिन का होता है, 30 दिन का, इसमें रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, अप्रैल, मई, मई में हम लोग का कितना हो जाएगा, मई हम लोग का 31 दिन का, मतलब 3 हो जाएगा। फिर हमारा जून, तो देखिए जून कहाँ तक काउंट किया गया, तो जून 9 जून तक ही काउंट किया गया है, तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग 9 जून ही लेंगे, ठीक है। 1904 और 1904 दोनों क्या है, ईयर हम लोग का सेम है, मतलब ईयर से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो 5, 1, 6, 3, 9, 9, 10, 11, 11, 3, 14 और 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 को क्या करेंगे, सिंपली हम लोग 7 से डिवाइड देंगे, तो जब 23 को 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब हम लोग को फ्राइडे में 2 प्लस करना है कि माइनस, कैसे देखेंगे, तो हम लोग को 26 जनवरी से 9 जून तक जाना है, 26 जनवरी 1904 से 9 जून 1904 तक जाना है। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है, मतलब 26 जनवरी से 9 जून तक जाएंगे तो कैसे जाएंगे, आगे बढ़कर जाएंगे। तो
तो मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, प्लस दो करना पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग फ्राइडे में क्या कर देंगे, प्लस दो कर देंगे। तो जब फ्राइडे में हम लोग प्लस दो करेंगे तो कितना आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे कि ट्यूजडे है, कब है ट्यूजडे, तो 19 जुलाई। दो क्वेश्चन क्या किए हम लोग, थोड़ा स्लो स्लो किए हैं, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। तो क्या है हम लोग का 19 जुलाई 2019 को क्या है हम लोग का, ट्यूजडे है। तो हम लोग का कब का निकालना है, 16 फरवरी 2019 का निकालना है, ये हम लोग का कौन सा दिन आएगा। तो सिंपली इसमें हम लोग को क्या करना है, 16 फरवरी से कहां तक जाना है, 19 जुलाई तक जाना है। तो क्या करेंगे, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और क्या आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा। ईयर तो हम लोग का सेम है, तो ईयर से अभी हम लोग को काम नहीं है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ईयर डिफरेंस रहेगा, लेकिन अभी हम लोग को क्या दिया गया, ईयर हम लोग का सेम सेम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का फरवरी है, फरवरी हम लोग का क्या है, नॉन लीप ईयर है, मतलब कि इसमें हम लोग का कितना दिन है, 28 दिन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का टोटल 28 दिन है, अब हम लोग को कितना, 16 दिन का काम हो चुका है, तो हम लोग का बचा कितना दिन, तो इसमें हम लोग का कितना दिन बच चुका है, 12 दिन अभी बचा हुआ है, ठीक है। फिर हमारा मार्च, मार्च कितना दिन का, 31 का, तो इसमें क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, अप्रैल 2, फिर हमारा क्या है मई 3, जून हम लोग का क्या आ गया, तो जून हम लोग का 2 आ गया, क्योंकि जून में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है, और 30 के लिए और डेज क्या होता है, 2 होता है। फिर हमारा जुलाई, जुलाई हमारा कहां तक है, 19 जुलाई तक ही है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 19 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको ऐड भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली क्या करेंगे, जो भी हम लोग का 7 से बड़ा संख्या है, जैसे यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 19 हो गया, इसको भी ऑड डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब यहाँ पे ऑड डेज में कन्वर्ट करेंगे, तो जब 12 को 7 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे, 5 + 3 + 2 + 3 + 2, और यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको है जो 7 से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे भी हम लोग का 5 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, तो 5 × 3 = 8, 2 = 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 × 5 = 15, 5 = 20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हम लोग को, 6 बच जाएगा। हम लोग को कितना आ गया यहाँ पे, और डेज कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्यूजडे में प्लस 6 करना है कि माइनस 6 करना है, वो हम लोग को देखना है। तो 19 जुलाई 2019 से 16 फरवरी 2019 की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि और पीछे का निकालना है। तो पीछे का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली माइनस 6 करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे की ओर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्राइडे में ट्यूजडे में क्या करेंगे, माइनस 6 करेंगे। तो ट्यूजडे में जब भी हम लोग माइनस 6 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, ट्यूजडे में जब माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, वेडनेसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा हम लोग का, वेडनेसडे आ जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखेंगे कि अगर हम लोग माइनस 6 करें या फिर ट्यूजडे में अगर हम लोग प्लस 1 करें, आना वेडनेसडे ही है। कैसे, देखिए ये हम लोग का क्या है, ट्यूजडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और क्या है, संडे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उम्मीद करते इधर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, माइनस 6 करना है। अगर ट्यूजडे में माइनस 6 करते हैं तो देखिए वेडनेसडे आएगा, 1 2, ट्यूजडे को छोड़कर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ गए, वेडनेसडे में। और ट्यूजडे में जब प्लस 1 करते हैं तो वो भी हम लोग का क्या आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है। तो सुविधा के लिए क्या किया, माइनस 6 ना करके क्या कर दिए, 7 - 6 = कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब की क्या कर दिया हम लोग, सिंपली प्लस 1 कर दिया। तो क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, वेडनेसडे आ जाएगा। तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, थर्सडे फॉल ऑन 16 अप्रैल 1671। तो हम लोग को बताना है कि 16 अप्रैल 1675 को कौन सा दिन होगा। तो क्या दिया गया है, 16 अप्रैल 1671 दिया गया है, वो हम लोग को कौन सा दिन है, थर्सडे है, ठीक है। हम लोग को किसका निकालना है, 16 अप्रैल 1675 का निकालना है कि उस दिन हम लोग को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जो हम लोग का डेट है और मंथ है दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग डेट और मंथ में क्या करेंगे, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1671 है, 1675 है, मतलब कि ईयर का बारी आ गया, और ईयर दोनों का क्या है, दोनों का अलग अलग है, एक 1671 है तो एक 1675 है।
तो इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग का ईयर अलग हो तो सिंपली क्या करना है, ईयर दो भी ईयर है दोनों के बीच में कितना गैप है, तो 1675 माइनस 1671 कितना आ जाएगा हम लोग का, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 1671 और 1675 के बीच में हम लोग देख लेंगे कितने लीप ईयर आते हैं। तो हम लोग को पता है कि 1672 हम लोग का क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। 1672 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट लीप ईयर आएगा तो वो कौन सा लीप ईयर आएगा, 1676 आ जाएगा, मतलब 16 अप्रैल 1675 के बाद आएगा। तो 1676 तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे, मतलब 1671 और 1675 के बीच में कितने लीप ईयर आ गए, एक लीप ईयर आ गए, तो यहाँ पे एक लीप ईयर लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम लोग को देखना है कि थर्सडे में क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है। तो हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग 1671 से 1675 की ओर जा रहे हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब आगे की ओर बढ़ना रहता है तो इसमें क्या करेंगे, थर्सडे में प्लस 5 करेंगे। तो जब थर्सडे में जब प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्यूजडे आ जाएगा। थर्सडे में प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्यूजडे आ जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सैटरडे फॉल्स ऑन 9 सितंबर 2011, व्हाट वाज द डे ऑन द वीक ऑन 9 सितंबर 2007। तो क्या है, 9 सितंबर 2011 को क्या था, सैटरडे था। ठीक, तो 9 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे क्या है, 9 सितंबर दोनों में सेम है, मतलब मंथ और डेट को क्या करेंगे हम लोग, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करना है, 2011 और 2007 है दोनों के बीच में डिफरेंस, तो 4 साल का है तो 4 लिख देंगे। फिर 2007 से 2011 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 2007 से 2011 के बीच में केवल एक लीप ईयर आएंगे, वो है जो हमारा 2008 है। तो इसमें हम लोग कितने लीप ईयर आ गए, एक लीप ईयर आ गए, तो एक लिख देंगे। अब दोनों को क्या कर देना है, एड कर देना है, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। अब सैटरडे में हम लोग को प्लस 5 करना है कि माइनस 5, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को 2011 से 2007 की तरफ जाना है, मतलब कि और पीछे की ओर जाना है। तो पीछे की ओर जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना करना पड़ेगा, माइनस 5 करना पड़ेगा। तो सैटरडे में जब हम लोग माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या अब माइनस 5 करें या फिर 7 - 5 करके क्या कर देंगे, या तो प्लस 2 कर देंगे। तो हम लोग को कौन सा इजी हुआ, माइनस 5 करना इजी हुआ कि प्लस 2 करना इजी हुआ, तो सैटरडे में हम लोग को प्लस 2 करना इजी हुआ, तभी हम लोग मंडे जल्दी से निकाल पाए हैं। अगर माइनस 5 करने जाएंगे तो पीछे मतलब कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हैं, 7 यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 5 आ गया, माइनस में आ गया, तो 7 में माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो संडे सैटरडे में प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 6 मार्च 1949 को कौन सा दिन है, बेडनेस डे है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 7 मार्च, 7 मार्च 1952 को कौन सा दिन होगा, हम लोग को ये निकालना है। तो 7 मार्च 1952 तक निकालना है, मतलब कि इतना तो पता चल गया कि बेडनेस डे में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एड करना पड़ेगा। अब कितना एड करना है वो अभी हम लोग को कुछ पता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ईयर भी अलग है और डेट भी अलग है, लेकिन मंथ हम लोग का सेम है। तो देखिए 6 मार्च से 7 मार्च के बीच में कितना दिन का गैप है, तो एक दिन का गैप है, क्योंकि ये मार्च से मार्च ही तक हम लोग रह गए। अब हम लोग का एक आ गया, ये तो हम लोग का हो गया मंथ का। अब हम लोग देखते हैं ईयर की तरफ, ईयर में 1949 से 1952 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, तो इसमें डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 1949 से 1950 के बीच में लीप ईयर कितने आएंगे, तो इसमें लीप ईयर आएंगे हम लोग के कौन सा आ जाएगा, 1952 जो हो जाएगा वो हमारा लीप ईयर हो जाएगा। मतलब कि एक ही हमारा लीप ईयर आएगा, एक हमारा क्या आएगा, लीप ईयर आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा इधर डेट से आया और यहाँ पे हम लोग का जो भी हमारा ईयर से आया, दोनों को क्या कर देना, आपस में एड कर देना। तो 1 + 3 + 1, तो 3 × 1 = 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, बेडनेस डे में क्या कर देना है, प्लस 5 कर देना है। कैसे, 1949 से 1952 की ओर जा रहे हैं, मतलब कि हम लोग का क्या कर देना है, प्लस 5 कर देना है। तो जब बेडनेस डे में हम लोग प्लस 5 करते हैं तो कितना आता है, तो बेडनेस डे में प्लस 5 करते हैं तो क्या आता है, मंडे आता है। मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेडनेस डे में प्लस 5 करे या फिर 7 + 7 - 5 करे, मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हम लोग करना है, बेडनेस डे में हम लोग प्लस 5 करें या फिर हम लोग -2 करें,
तो वो कितना आ जाएगा हम लोग का, मंडे ही रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, इसमें से हम लोग को सबसे अलग कौन सा है ये हम लोग को बताना है। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, मंथ का नाम दिया गया, अप्रैल, जुलाई, नवंबर और मार्च, इन चारों में सबसे अलग कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अप्रैल होता है वो कितने दिन का होता है, 30 दिन का, जुलाई हम लोग का 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का और मार्च कितना होता है, 31 दिन का होता है। तो मतलब कि उसके मतलब कितने दिन आते हैं उसके हिसाब से तो हम लोग क्या कर पाए, और मतलब अलग नहीं कर पाए। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें देखिए जब हम लोग कैलेंडर देखते हैं तो हम लोग का कहां से शुरुआत होता है, जनवरी से। तो जनवरी हमारा पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी होता है, दूसरा महीना फरवरी, तीसरा महीना मार्च होता है और चौथा महीना कौन सा होता है, अप्रैल होता है। मतलब कैलेंडर में इसका पोजीशन कौन सा है, चौथा है, ठीक है। फिर हमारा जुलाई, जुलाई में इसका पोजीशन कौन सा है, तो सातवां महीना हमारा कौन सा होता है, जुलाई होता है। ग्यारहवां महीना हमारा कौन सा होता है, नवंबर होता है। और मार्च हमारा तीसरा महीना होता है। अब देखिए यहाँ पे चार है, सात है, ग्यारह है और तीन है, ये तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे नंबर दिया गया और उसमें ऑड बताना है, ये तो वैसा क्वेश्चन बन गया। तो इसमें ऑड हम लोग को कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो चार है वो क्या है, इवन नंबर है, मतलब कि जो अप्रैल है वो इवन नंबर वाले प्लेस पे आ रहा है। तो मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, रवि रिमेम्बर्स डेट हिज मदर्स बर्थडे इज बिटवीन 13 एंड 19 अप्रैल। रवि को याद है, किसको याद है, रवि को याद है कि उसकी माँ का बर्थडे कब था, उसकी माता जी का जन्मदिन 13 से 19 अप्रैल के बीच में हो सकता है। मतलब कि 13 से 19 के बीच में हो सकता है, मतलब कि कब हो सकता है, 14 को हो सकता है, 15 को हो सकता है, 16 को हो सकता है, 17 को हो सकता है, 18 को हो सकता है, 19 को भी नहीं हो सकता, 19 और 13 के बीच में पड़ता है, मतलब कि 13 और 19 को नहीं पड़ता है, उसके बीच में। अब क्या बोला गया, और उसके भाई को याद है, उसका जो एक भाई है उसको याद है, ये कौन हो गया, ये रवि को याद था कि उसकी माता जी का बर्थडे 14, 15, 16, 17 और 18 में से किसी एक दिन आता है। और भाई को क्या याद है कि 17 से 23 अप्रैल के बीच में पड़ता है, कब से पड़ता है, 17 से 23 अप्रैल के बीच में पड़ता है, मतलब कि 17 को और 23 को नहीं पड़ता है, कब पड़ता है, 18 को 19, 20, 21, 22 और कब हो गया 23 हो गया। अब देखिए यदि वे दोनों अपने अपने स्थान पर सही है तो उसकी माता का जन्मदिन कब होगा, तो सिंपली इसमें क्या करना है, ये हम लोग का रवि का आ गया और ये हम लोग का भाई का आ गया, उसके भाई का आ गया, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा उसकी माता का बर्थडे उसी दिन आएगा। तो दोनों में कौन सा कॉमन है, तो दोनों में 18 कॉमन है, मतलब उसकी माता का बर्थडे कब है, तो उसकी माता का बर्थडे हमारा 18 तारीख को है। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, रवि रीच्ड अ पैलेस प्लेस ऑन फ्राइडे, अनिल शुक्रवार को एक जगह पहुंचता है, ठीक है, एक जगह पहुंचा। ही केम टू नो दैट ही वाज 3 डेज अर्लियर देन द शेड्यूल डे, उसे पता चला कि वह तय दिन से 3 दिन पहले पहुंच गया, मतलब कि कोई एक तय दिन ये था, सपोज कीजिए कि हमारा कौन सा शेड्यूल टाइम था, इस दिन उसको पहुंचना था, लेकिन उसको क्या पता चलता है कि वो 3 दिन पहले पहुंच गया, मतलब 1, 2, 3 तीसरा दिन, 3 दिन क्या कर दिया, पहले पहुंच गया। और जो तीसरा दिन पहले था, 3 दिन पहले पहुंचा, वो कौन सा दिन था, फ्राइडे था, वो कौन सा दिन था, फ्राइडे था। अगर वह अगले रविवार को पहुंचता तो कितने दिन देर से, कितने दिन पहले पहुंचता, मतलब कि अगर वो संडे को पहुंचता तो वो जो भी जो शेड्यूल टाइम था, जो शेड्यूल डेट था या फिर शेड्यूल डे था, उससे कितना दिन पहले या फिर लेट पहुंचता है, ये हम लोग को बताना है। अब यदि वो संडे को पहुंचता तो सिंपली पहले आज का दिन, मतलब कि जो डे है, आज का दिन है, वो कौन सा दिन है, तो 3 दिन पहले फ्राइडे था, तो 3 दिन बाद क्या हो जाएगा, तो सैटरडे, संडे, मंडे, मतलब कि ये जो शेड्यूल डे है वो कौन सा है, मंडे है, ठीक है। अब वो अगर पहुंचता कब पहुंचता, संडे को पहुंचता, मतलब कि वो क्या पहुंच जाता, 1 दिन पहले पहुंच जाता, जो शेड्यूल डे है उससे 1 दिन पहले पहुंच जाता। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 डे अर्लियर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, व्हाट विल बी द 3rd डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें बिल्कुल भी डायग्राम या फिर वैसे करने की जरूरत नहीं है कि आज फ्राइडे है, फिर 1 दिन पहले, उसके 1 दिन पहले हम लोग का, सॉरी, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, मतलब कि आज का प्रेजेंट डे,
उसके एक उस आज के पहले का मतलब कि बीता हुआ कल के एक दिन पहले फ्राइडे है, तो 3 दिन बाद आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब ऐसे डायग्राम बनाने बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। सिंपली इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्या बोला गया, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, तो यस्टरडे हमारे एक हो गया, जितना भी दिन दिया हुआ है कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद सबको क्या करना है, उसके ऊपर लिख लेना है। तो यस्टरडे हमारा क्या हो जाएगा, इसको एक मानेंगे, और यहाँ पे डे बिफोर मतलब एक दिन, ये हमारा एक दिन का हो गया, और यस्टरडे को क्या हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड डे है मतलब इसको क्या, ये कितना दिन बाद, 3 दिन बाद, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। फिर आफ्टर द डे आफ्टर टुमोरो मतलब कि एक दिन यहाँ से आ जाएगा, आफ्टर टुमोरो मतलब एक दिन बाद, हमारा एक दिन कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। अब हम लोग टोटल क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 1 2 3 2 5 6 7 कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या करेंगे, फ्राइडे में सिंपली यहाँ पे 7 को ऐड कर लेंगे, सिंपली क्या करेंगे, 7 को ऐड कर लेंगे। तो जब फ्राइडे में 7 ऐड करेंगे मतलब कि वो सेम डे ही आएगा, फ्राइडे में 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे पहले ऑड डेज अगर निकालना रहा है तो ऑड डेज कितना आ जाएगा, तो जब 7 को डिवाइड देंगे तो ऑड डेज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फ्राइडे में कुछ तो हम लोग को ऐड करना ही नहीं है, फ्राइडे में कितना ऐड करना है, 0 ऐड करना है, मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया हो तो यहां से देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम से क्या है, अगर आज का शेड्यूल डे आज है, सपोज कीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट डे, इसको क्या कह लेते हैं, ये हम लोग का प्रेजेंट डे है। इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे मतलब बीते हुए कल से एक दिन पहले, बीता हुआ कल ये है, उसके एक दिन पहले ये कौन सा दिन है, तो ये हम लोग का क्या है, फ्राइडे है। तो प्रेजेंट डे कौन सा हो जाएगा, तो फ्राइडे सैटरडे संडे, प्रेजेंट डे कौन सा हो जाएगा, संडे हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट डे कौन सा आ गया हम लोग का, संडे आ गया। अब क्या बोला गया, तो बताइए कि आने वाले कल के एक दिन बाद से तीसरा दिन कौन सा होगा, आने वाला कल, ये आने वाला कल हो गया, उसके एक दिन बाद ये हो गया, उसके एक दिन बाद ये हम लोग का प्रेजेंट डे है, उसके आने वाला कल यहाँ पे हो गया, उसके आने वाले कल से एक दिन बाद का तीसरा दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये हम लोगों को क्या करना है, बताना है। तो हम लोग का संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और क्या आ गया, हम लोग का फ्राइडे आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। लेकिन इतना डायग्राम बनाने की एग्जाम में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिंपली यहीं पे कर लेंगे। क्या है, इफ डे बिफोर यस्टरडे मतलब कि यहाँ से हम लोग का 2 हो गया इधर, फिर हम लोग का क्या हो गया, थर्ड डे मतलब 3 हम लोग का यहाँ पे हो गया, डे आफ्टर टुमारो मतलब एक हम लोग का टुमारो, एक हम लोग का टुमारो के लिए, आफ्टर द डे ये हमारा एक हम लोग का क्या हो जाएगा, आफ्टर द डे के लिए। टोटल हम लोग को ऐड करने पे कितना आ गया, 7 आ गया, तो फ्राइडे में 7 को ऐड कर देंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे व्हेन विल संडे बी, तो संडे कब होगा ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग को बोला गया कि प्रेजेंट डे से क्या बोला गया, प्रेजेंट डे है, इफ द डे बिफोर यस्टरडे मतलब कि ये बीता हुए कल से एक दिन पहले कौन सा दिन था, थर्सडे था, तो प्रेजेंट डे कौन सा हो जाएगा, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये हम लोगों कौन सा दिन है, थर्सडे है, ये बीता हुआ कल है, उसके एक दिन पहले क्या था, थर्सडे था, तो प्रेजेंट डे कौन सा हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। अब हम लोग का संडे कब आएगा, तो संडे सैटरडे का मतलब कि जो भी प्रेजेंट डे है वो अगले दिन आएगा, मतलब कब आ जाएगा, हम लोग का संडे जो आएगा प्रेजेंट डे के अगले दिन ही संडे आ रहा है, मतलब कि कल हम लोग का क्या है, संडे है, मतलब आने वाला कल क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अनु इज 300 डेज ओल्डर देन वरुण, अनु वरुण से 300 दिन बड़ी है, ठीक है, अनु जो है वो वरुण से 300 दिन बड़ी है, संदीप अनु से 50 सप्ताह बड़ा है, 50 सप्ताह बड़ा है, यदि संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ है, संदीप कब जन्म लिया है, तो संदीप कब लिया है जन्म, मंगलवार को मतलब ट्यूसडे को लिया है, ठीक है। तो बताइए कि वरुण का जन्म किस दिन हुआ होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, संदीप अनु से 50 सप्ताह बड़ा है, अगर हम लोग अगर हम बोले कि आज मंडे है या फिर आज ट्यूसडे है, अगर एक सप्ताह बाद कर निकालिए कि कौन सा दिन पड़ेगा, तो ट्यूसडे अगर आज है, अगर वहां से एक सप्ताह बाद का कैलकुलेट करेंगे तो अगला 7 दिन बाद भी क्या आएगा, ट्यूसडे ही आएगा। तो वैसे यहाँ पे 50 सप्ताह, जब सप्ताह बड़ा आ गया मतलब कि अगर संदीप ट्यूसडे को जन्म लिया है तो अनु भी कब जन्म ली होगी, अनु का भी जब जिस दिन जन्म ली होगी उस दिन ट्यूसडे ही पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, 50 सप्ताह बड़ा है, मतलब ट्यूसडे से 50 सप्ताह एड करेंगे
तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे ही आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप 100 सप्ताह ऐड कीजिए, चाहे आप 200 सप्ताह ऐड कीजिए, ट्यूसडे ही आना है। फिर हम लोगों को क्या बोला गया, अरुण वरुण से, अनु वरुण से 300 दिन बड़ी है। अरुण क्या है, वरुण से 300 दिन बड़ी है, ये हम लोग को निकालना है। तो वरुण कौन सा दिन है जन्म लिया हुआ, ये हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अरुण अनु वरुण से 300 दिन बड़ी है, तो सिंपली क्या करना है यहाँ पे ट्यूसडे में क्या करना है, तो पहले हम लोग को क्या दिया गया, 300 दिन बड़ी है, मतलब 300 से पहले हम लोग को क्या निकालना है, ऑड डेज निकालना है। तो जब 300 को डिवाइड देंगे 7 से, तो कितना यहाँ पे हमारा, 7 से नहीं डिवाइड देना है, क्योंकि हमारा क्या आ गया यहाँ पे सेंचुरी ईयर आ गया। हम क्या बोले थे कि हम लोग का जो 300 आएगा तो सिंपली क्या याद रखना है, उसका ऑड डेज याद रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो इसका ऑड डेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए हम लोग फर्स्ट पेज में ही बताए थे इसको, जब 200, 200, 300 उसका ऑड डेज निकालना रहे, तो यहाँ पे हम लोग का ऑड डेज कितना आ जाएगा, 100 के लिए ऑड डेज 5 हो जाएगा, 200 के लिए 3 हो जाएगा, 300 के लिए 1 हो जाएगा, और 400 के लिए 0 आ जाएगा, जब इसको 7 से डिवाइड देंगे। तो हम लोग का कितना आ गया, जब हम लोग को 7 से डिवाइड दिए तो हम लोग का, तो यहाँ पे तो 300 तो हम लोग को पहले से ही गिवेन है, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और 300 के लिए कितना ऑड डेज है, 1 ऑड डेज है, मतलब कि यहाँ पे क्या करना है, माइनस 1 कर देना है, क्योंकि क्या है, अनु बड़ी है, मतलब कि वरुण का जो भी दिन होगा उसमें प्लस 1 करके आया होगा ट्यूसडे। तो सिंपली यहाँ से क्या करना है, हम लोग को रिवर्स जाना है, तो ट्यूसडे में क्या करना है, माइनस 1 कर देना है। तो जब ट्यूसडे में माइनस 1 करते हैं तो कितना आ जाता है, मंडे आ जाता है, मतलब कि वरुण कौन से दिन जन्म लिया था, तो मंडे को लिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इफ फर्स्ट मार्च इज सैटरडे देन फर्स्ट अप्रैल विल बी, यदि पहला फर्स्ट मार्च क्या है, सैटरडे है, तो 1 अप्रैल कौन सा दिन होगा। यहाँ पे हम लोग को ईयर का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, तो सिंपली क्या करना है, 1 मार्च हमारा क्या है, जो भी हम लोग को गिवन है बस वो लिखना है। सैटरडे है तो 1 अप्रैल कौन सा दिन होगा वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, 1 मार्च है, अभी हम लोग को मार्च में और कितना दिन बाकी है, तो 1 मार्च है, टोटल मार्च में 31 दिन होता है, तो मार्च में कितना दिन बाकी है, 30 दिन बाकी है। अब 30 का हम लोग जब ऑड डेज निकालने जाएंगे, मतलब कि जब 30 को हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड देंगे, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब ऑड डेज हमारा 2 हो गया। अब मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है, और अप्रैल में हम लोग को कितना दिन लेना है, 1 ही दिन लेना है, क्योंकि 1 ही अप्रैल तक हम लोग को काउंट करना है। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 आ गया। अब हम लोग को सैटरडे में +3 करना है कि -3 करना है, तो देखिए 1 मार्च से 1 अप्रैल की तरफ जा रहे हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, +3 कर देंगे। तो सैटरडे में जब +3 करते हैं, तो सैटरडे में जब +3 करते हैं तो कितना आ जाता है हम लोग का, ट्यूसडे आ जाता है, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, द इंडिपेंडेंस डे इन 1988 वाज सेलिब्रेटेड ऑन वेडनेसडे, जो इंडिपेंडेंस डे है, जो स्वतंत्रता दिवस है, वो 1988 को बुधवार को मनाया गया था। मतलब अब हमारा, हम लोग को पता है कि 1988 को कब मनाया गया था, 1988 में जो इंडिपेंडेंस डे था, इंडिपेंडेंस डे कब होता है, 15 अगस्त 1988 कौन सा दिन था, वेडनेसडे था। तो ऑन व्हाट डे इट सेलिब्रेटेड इन द ईयर 1989, तो अगर स्वतंत्रता दिवस हम लोग 1989 में बनाए तो कौन सा दिन आएगा, तो 15 अगस्त 1989 को निकालने बोल रहा है, बस इतना ही बोल रहा है और कुछ नहीं है। 15 अगस्त 1988 को वेडनेसडे था, तो 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखिए डेट और मंथ क्या है, सेम है, तो सिर्फ हम लोगों को किससे लेना है, ईयर से हम लोगों को क्या करना है, देखना है। तो 1988 से 1989 के बीच में गैप कितना है, 1 साल का गैप है, मतलब यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1988 से 1989 में के बीच में कितना लीप ईयर है, तो 0 लीप ईयर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1988 तो हमारा लीप ईयर ही है, इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग को काउंट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को कब से लेना है, 15 अगस्त 1988 से लेना है। और हमारा अगर लीप ईयर आता है तो वो कब आता है, फरवरी में हम लोग का 19 दिन का होता है, तो वो तो हम लोग का पीछे ही रह गया। हम लोग को कहाँ से काउंट करना है, 15 अगस्त से काउंट करना है, 15 अगस्त 1989 तक ही काउंट करना है। और हम लोग अगर 1988 हमारा लीप ईयर है, तो हम लोग का वो कब था, वो फरवरी में था, हम लोग को कहाँ से लेना है, अगस्त में लेना है। तो मतलब इसमें हम लोग लीप ईयर काउंट, इसको 1988 को काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें हम लोग का कितना आ गया, 0 लीप ईयर आ गया। तो 1 में 0 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अब हम लोग इसमें अब क्या करेंगे, प्लस वन करेंगे, क्योंकि 88 से कहाँ जा रहे हैं, 89 की ओर जा रहे हैं। तो जब वेनेसडे में प्लस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया टेल द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 26 जनवरी 2006 टू 23 सितंबर 2006 के बीच में, और क्या करना है, इंक्लूडिंग बोथ डेज, मतलब 26 और 23 को भी इंक्लूड करना है। टोटल हम लोग को कितना दिन आएगा वो हम लोग को बताना है कि 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 के बीच में कितना दिन है, ये हम लोग को बताना है। तो 26 जनवरी 2000 कहां से बताना है, 2006 से 23 सितंबर 2006 के बीच में कितना दिन आता है वो हम लोग को बताना है। तो क्या हम लोग का सबसे पहले 6 जनवरी है, और हम लोग को जनवरी में भी कितना दिन बाकी है, तो 31 - 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया कि 26 को भी इंक्लूड करना है, और जब हम लोग 31 से माइनस करते थे, जो भी हमारा नंबर गिवेन रहता था, जो भी हम लोग का डेट गिवेन रहता था, जब हम लोग 31 से माइनस करते थे तो जो हम लोग का डेट गिवेन रहता था उसको क्या करते थे, हटा देते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, 26 को इंक्लूड करने बोला है, इंक्लूडिंग बोथ डेज, मतलब कि 26 जनवरी भी आएगा। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31 कितना आ गया, 6 दिन आ गया जनवरी में, हम लोग का 6 दिन अभी बचा हुआ है। फिर हम लोग का मार्च आता है, तो मार्च हम लोग का कितना दिन का होता है, तो 31 दिन का, सॉरी जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी आता है, और फरवरी 2006 हमारा क्या है, नॉन लीप ईयर है, मतलब इसमें कितना दिन होगा हमारा, 28 दिन होगा फरवरी में। फिर हमारा मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, फिर मई कितना हो जाएगा, 31 दिन का हो जाएगा, फिर हमारा हम लोग का जून कितना हो जाएगा, 30 दिन का हो जाएगा, फिर हम लोग का जुलाई कितना दिन का हो जाएगा, 31 दिन का, फिर अगस्त कितना दिन का, 31 दिन का, और हम लोग का सितंबर, हम लोग को 23 सितंबर तक ही लेना है, मतलब कि प्लस 23 करना है। तो 6 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 23 इसको हम लोग को ऐड करके बताना है कि टोटल कितना आएगा। तो यहाँ पे 6 + 28 कितना हो गया, 34 हो गया। अब 30 कितनी बार है, तो 2 बार है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ प्लस 60 हो गया। अब 31 कितनी बार है, तो 4 बार है, मतलब 31 × 4 कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा, और प्लस 23 हो जाएगा। अब इन सभी को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 241 आ जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, व्हाट डे विल टू डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो बी। यदि बीते हुए कल से एक दिन पहले शुक्रवार था, तो बताइए कि आने वाले कल से एक दिन बाद के 2 दिन बाद क्या दिन होगा, ये हम लोग को बताना है। तो सिंपली क्या हुआ, बीते हुए कल से एक दिन पहले, यहाँ पे कितना दिन है, एक दिन पहले, एक हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे कल के लिए कितना आएगा, एक आएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग को कहाँ जाना है, यहाँ पे शुक्रवार है, तो बताइए कि आने वाले कल मतलब आने वाला जो कल है इसके लिए कितना यूज होगा, एक यूज होगा। आने वाला कल के लिए मतलब टुमारो के लिए एक यूज होगा। से एक दिन बाद, यहाँ से कितने दिन बाद है, एक दिन बाद है, मतलब यहाँ से भी हम लोग का एक दिन यहाँ पे ऐड हो गया। आने वाले कल के लिए कितना दिन होगा, एक दिन ऐड करेंगे। एक दिन बाद के लिए भी क्या ऐड करेंगे, एक दिन याद ऐड करेंगे। फिर वहां पे बोला गया एक दिन बाद के 2 दिन बाद, तो 2 दिन के लिए कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। बाद क्या दिन होगा ये हम लोग को बताना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 2, तो 2 × 2 = 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब कि फ्राइडे में क्या करना है, प्लस 6 कर देना है। तो जब फ्राइडे में प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। प्लस 6 करे या फिर माइनस 1 करे, बात बराबर है। तो क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 25 फरवरी 2008 मंडे है, तो 2 मार्च 2008 हम लोग का कौन सा दिन होगा, ये हम लोग को बताना है। तो क्या हम लोग का 25 फरवरी 2008 कौन सा दिन है, मंडे है, ठीक है। तो 2 मार्च 2008 कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे ईयर देखिए, यहाँ पे तो ईयर हम लोग का क्या है, सेम है। तो सिंपली क्या करना है, यहां से 25 फरवरी से 2 मार्च तक जाना है। अब देखिए 2008 हमारा क्या है, लीप ईयर है, मतलब कि इसमें कितना दिन का होगा, 29 दिन का होगा। तो 29 - 25 कितना हो जाएगा, 4 हम लोग का फरवरी में बाकी है, और मार्च में कितना है, 2 है। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ से 25 फरवरी से 2 मार्च तक जाना है, मतलब कि मंडे में क्या कर देना है, प्लस 6 कर देना है। तो जब मंडे में प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब मंडे में हम लोग प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा,
जब मंडे में प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इफ 8 अप्रैल फॉल्स ऑन मंडे, तो हमारा कौन सा है 8 अप्रैल क्या हम लोग का मंडे है। तो हम लोग को बताना है कि व्हाट वुड बी द 30 डे ऑफ दैट मंथ, मतलब कि 30 अप्रैल उसी मंथ का 30वां दिन, मतलब कि जो 30 अप्रैल है वो हम लोग का कौन सा दिन पड़ेगा, ये हम लोग को बताना है। तो सिंपली 30 अप्रैल से 8 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कितना का गैप है, तो 22 का गैप है। और 22 को जब हम लोग ऑड डेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, 7 से डिवाइड करना पड़ता है। तो जब 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा। तो 1 हमारा क्या हो गया, ऑड डेज आ गया। अब सिंपली क्या करना है, 1 हम लोग को क्या करना है मंडे में प्लस 1 कर देना है, जो भी ऑड डेज आएगा वो यहाँ से क्या करना है मंडे में प्लस 1 करना है। तो जब मंडे में प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्यूजडे आ जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 31 जनवरी 2009, हम लोग को दिया गया और इस दिन बोला गया है कि हम लोग का कौन सा दिन आएगा, ये हम लोग को बताना है। यहाँ पे कोई भी रेफरेंस डेट नहीं दिया गया है कि ये हम लोग का डेट दिया गया है और ये हम लोग का डेट दिया गया है, तो हम लोग को बताना है कि 31 जनवरी 2009 कौन सा दिन होगा, ऐसा कुछ दिया नहीं है। सिंपली हम लोग को बोला गया है कि 31 जनवरी 2009 निकालकर बताइए कौन सा दिन पड़ेगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 31 जनवरी 2009 लिख लेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, जनवरी से काउंट करना है, मतलब स्टार्टिंग जनवरी से काउंट करना है कि 31 जनवरी जो भी हम लोग को यहाँ पे डेट दिया रहेगा, जो भी मंथ दिया रहेगा, जैसे 3 मार्च दिया गया, तो जनवरी से 3 मार्च तक के बीच में कितना हम लोग का ऑड डेज है वो हम लोग निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, 31 जनवरी दिया गया है, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में कितना दिन हो गया, 30 दिन हो गया। कितना हो गया, 1 जनवरी से 31 जनवरी, मतलब कि 0 से एकदम काउंट करेंगे, एकदम जनवरी से काउंट करेंगे। तो ये हम लोग को पता है कि 31 जनवरी इसमें हम लोग का ऑड डेज कितना आएगा, तो 31 के लिए ऑड डेज कितना होता है, 3 होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम लोग का क्या हो गया डे और डेट मतलब मंथ का काम हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2009 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, किसमें, सेंचुरी ईयर, मतलब किसको सिंपली क्या करेंगे 2000 और 2009 में क्या करेंगे इसको ब्रेक कर देंगे। नहीं, 2000 यहाँ पे हम लोग का काउंट हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 8 साल और बचा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे तो हम लोग का 2000 हो गया, अब हम लोग का यहाँ पे कितना साल बचा, तो 9-0 हम लोग का 1 साल यहाँ पे हो गया, तो कितना बचा, 8 साल बच गया। अब हम लोग को पता है कि 2000 के लिए जो हम लोग का ऑड डेज होगा वो कितना होगा, 0 होगा। 2000 के लिए ऑड डेज कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको ऑड डेज हम लोग का क्या, सेंचुरी ईयर, अब इसको डिवाइड करेंगे 400 से, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम लोग का ऑड डेज कितना आ गया, यहाँ पे 2000 के लिए 0 आ गया, यहाँ पे हम लोग को कितना बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है। तो जितना हम लोग का यहाँ पे बचा हुआ है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 8। अब हम लोग को क्या करना है कि 2000 से 2008 के बीच में कितना लीप ईयर है, तो 2000 से 2008 के बीच में हम लोग का टोटल 2 लीप ईयर है, कौन कौन है, तो 2000 है और 2004 हमारा क्या है, लीप ईयर है। हम लोग 2008 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग 31 जनवरी 2008 तक ही अटक जाएंगे, हम लोग फरवरी में तो एंट्री लेंगे ही नहीं, 2008 का फरवरी में हम लोग को एंट्री लेना ही नहीं है। तो हम लोग को कितना लीप ईयर आ गया, 2 लीप ईयर आ गया, मतलब कि 2 लीप ईयर ऐड कर देंगे, तो यहाँ से टोटल कितना आ गया, 3, 8, 3, 11, 11 और 2 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम लोग ऑड डेज में तोड़ेंगे, तो 17 में जब डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम याद करवाए थे कि जो मंडे होता है उसका मंडे हमारा कितना होता है, 1 होता है, ट्यूसडे हमारा 2 होता है, तो वैसे ही हम लोग का 6 आ गया, तो 6 हम लोग का कौन सा होता है, तो 6 में हम लोग का आ जाएगा सैटरडे आ जाएगा, जो छठा दिन हमारा कौन सा होता है, सैटरडे आता है, मतलब करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि 31 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था, तो सैटरडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था, ये आप लोग को बताना है, 17 अप्रैल 2014 को, तो 17 अप्रैल 2014 लिख लेंगे, क्या लिख लेना है, 17 अप्रैल 2014। अब हम लोग को क्या करना है, 17 अप्रैल तक मतलब जितना भी जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल तक का सारा का हम लोग को ऑड डेज निकाल लेना है। तो जनवरी का ऑड डेज कितना होता है, तो जनवरी में हम लोग का ऑड डेज 3 होता है, फिर हम लोग का फरवरी है, तो फरवरी में ऑड डेज
यहाँ पे फरवरी के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि लीप ईयर है कि नहीं है, नहीं तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग का लीप ईयर रह गया तो मतलब ऑड डेज हमारा एक हो जाएगा, अगर नॉन लीप ईयर रहा तो उसमें हमारा ऑड डेज जीरो हो जाएगा, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2014 क्या हम लोग का नॉन लीप ईयर है, मतलब एक नॉर्मल ईयर है, तो इसमें हम लोग 28 दिन का हो जाएगा, तो 28 दिन के लिए कितना आता है ऑड डेज हमारा जीरो आता है। फिर हम लोग का मार्च, मार्च में हम लोग का 31 दिन, उसके लिए ऑड 3 आ जाएगा। फिर हम आता है अप्रैल, तो अप्रैल कहाँ तक जाना है, 17 तक ही जाना है, तो जब 17 दिन के लिए हम लोग का ऑड डेज निकालने का रहा तो 17 को क्या करेंगे, सिंपली 7 से डिवाइड देंगे, तो जब 7 से डिवाइड देते 17 को तो कितना बार में कटता है 14, तो बचा हमारा कितना 3, रिमाइंडर बच गया, कितना बच गया 3 रिमाइंडर बच गया, और जो रिमाइंडर बचा वही ऑड डेज हो गया। तो हम लोग का डेट और मंथ का तो काम हो गया, मतलब 17 अप्रैल तक का काम हो गया। अब हम लोग का बचा 2014, तो 2014 को क्या करना है, सेंचुरी ईयर में ब्रेक कर देना है, तो 2000 और यहाँ पे हम लोग का एक, हम लोग का 14 में से एक साल तो 2000 निकल गया, बचा हम लोग का कितना साल, 13 साल बचा। अब हम लोग को पता है कि 2000 के लिए जो ऑड डेज होगा वो कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि जब सेंचुरी ईयर हो गया उसको अगर हम लोग को डिवाइड करके किससे देखना है, 400 से डिवाइड करके देखना है, तो कितना आ गया, जीरो आ गया ऑड डेज। फिर हम लोग का है 13, तो इसमें सिंपली 13 ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर है हम लोग का कौन सा, फिर हम लोग का क्या आ गया कि 2000 से 2013 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 2000 से 2013 के बीच में 2000 को हम लोग बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 17 अप्रैल 2000 से काउंट करना है, फरवरी तो हमारा पीछे ही रह गया, तो क्या करेंगे 2000 को काउंट लीप ईयर में नहीं करेंगे। फिर हम लोग किसको करेंगे, तो 2002 को, 2004 को और 2008 को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, क्या करेंगे 2002 तो होगा ही नहीं, सॉरी 2004, 2008 और 2000 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग कितने लीप ईयर हो जाएंगे, तो इसमें हम लोग का 3 लीप ईयर हो जाएंगे, तो 3 लीप ईयर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे से ऐड कर लेंगे, तो 3 + 3 + 3, 3 × 3 = 6, 3 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 12 = 24, और एक कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना आ जाएगा हम लोग का, 25 आ जाएगा। जब इसको 7 से डिवाइड देंगे तो कितना रिमाइंडर आ गया हम लोग का, 4 आ गया, और 4 हम लोग क्या करेंगे, 4 हमारा कौन सा दिन आता है, तो 4 में आता है हम लोग का थर्सडे आता है, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि 10 जून 2011 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो क्या आ गया, 10 जून 2011 है, तो हम लोग का क्या करना है, 10 जून 2011 है, तो सिंपली जनवरी से जून तक जाएंगे, तो जनवरी में हम लोग का कितना ऑड डेज, 3, फरवरी में तो 2011 है उसमें 28 दिन का हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है, तो हम लोग का 28 दिन का हो जाएगा, तो इसमें हम लोग का कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर हमारा मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून कहां तक जाना है, 10 दिन तक ही जाना है, तो 10 को सिंपली क्या करते हैं, इसको ऑड डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब कि ऑड डेज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का 10 जून तक काम हो गया। अब 2011 को क्या करना है, ब्रेक कर लेना है, 2000 में सेंचुरी ईयर कैसे भी सेंचुरी ईयर में ब्रेक करना है, जैसे 1945 रह गया तो 1945 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 1944 में ब्रेक कर सकते हैं, तो 2011 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे 2000 लिखेंगे, एक साल तो हम लोग का ऐसे ही काउंट हो गया, तो कितना बचा, 10 साल का बचा। तो अब 10 को अगर आप चाहे तो यहीं पे ऑड डेज को क्या करते हैं, 10 या फिर हम लोग पीछे 13 लिखे थे उसको सिंपलीफाई करके हम लोग 7 से डिवाइड करके डायरेक्ट ऑड डेज भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा हमारा, सबसे ऊपर में कौन है, 2000 है, तो 2000 के लिए कितना ऑड डेज होता है, जीरो होता है। फिर 10 है, इसमें ऑड डेज कितना आएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना ऑड डेज बचेगा, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 2000 से 2010 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, तो इसमें हम लोग का 2 लीप ईयर आएंगे, कौन कौन से ईयर लीप ईयर आएंगे, तो 2002 2004 आएगा और 2008 आएगा। 2000 हम लोग बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का 10 जून 2000 से काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो 3, 6, 9, 12 और कितना हो गया, 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 7 से, तो जब 19 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 5 आ जाएगा, 14 और 5 कितना होता है, 19 होता है। तो यहाँ पे हम लोग का 5 में हमारा कौन सा आ जाएगा, तो 5 में हम लोग का थर्सडे आ जाएगा, लेकिन थर्सडे तो है नहीं, तो यहीं पे हम लोग कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो 3, 0, 3, 2, 3
और क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का, ये तीन किसके लिए आया, तो सात, सात तीन दस, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और क्या हो गया जून हो गया तीन, फिर हमारा कौन है ये हम लोग का, इसमें जीरो और डेज आ गया, फिर हम लोग का यहाँ पे कितना आ जाएगा दस आ जाएगा, दस के लिए कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा और दो लीपियर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हम लोग का दो लीपियर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो तीन छह नौ बारह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस को डिवाइड करेंगे सात से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो हम लोग का पांच ही रिमाइंडर आना चाहिए, कितना आ गया पांच आना चाहिए, तो एक हमारा क्या हो जाएगा मंडे, दो ट्यूसडे आ जाएगा, तीन हमारा क्या हो जाएगा वेडनेसडे आ जाएगा, चार हमारा क्या आ जाएगा थर्सडे आ जाएगा, और पांच क्या आ जाएगा सॉरी पांच हम लोग का तो क्या होता है फ्राइडे होता है, पांच हम लोग का क्या होता है फ्राइडे ही होता है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा ये हम लोग को बताना है, तो 15 अगस्त 2021 का निकालना है, तो सिंपली क्या क्या दिया गया है 15 अगस्त 2021 दिया गया है, तो जनवरी से अगस्त तक का सारे निकालेंगे तो जनवरी में कितने और डेज तीन, फिर फरवरी में तो 2021 है मतलब कि 28 दिन का होगा मतलब ऑड डेज कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फिर मार्च में तीन अप्रैल के लिए दो हो जाएगा, फिर हम लोग का मार्च के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर हमारा क्या है अगस्त का बारी आ गया, तो अगस्त में कितना है 15 दिन तक जाना है, तो इसको क्या करेंगे सिंपली ऑड डेज में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए इजी हो जाए, तो 15 को क्या करना है सात से डिवाइड देना है, तो जब सात से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा एक आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर 15 अगस्त का काम हो गया, अब हम लोग को क्या करना है 2021 को ब्रेक करना है 2000 में और 2000 का हम लोग का कितना यहाँ पे 2000 हो गया, बचा हमारा कितना दिन 20 दिन बचा, ठीक है मतलब कितना और बच गया 20 और बच गया, तो 2000 के लिए हम लोग का ऑड डेज कितना होता है जीरो होता है, और 20 में 20 के लिए हम लोग अगर ऑड डेज निकालेंगे तो जब सात से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का छह आ जाएगा, कितना आ गया छह आ गया। अब हम लोग को 2000 से 2020 के बीच में लीप ईयर कितने हो जाएंगे तो पांच लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें सिंपली क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो तीन छह नौ बारह, बारह दो चौदह दो सोलह एक सत्रह, सत्रह पांच कितना हो जाएगा बाईस और बाईस और छह कितना हो जाएगा अट्ठाईस हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे सात से, तो जब इसको डिवाइड करेंगे सात से मतलब कि रिमाइंडर कितना आ गया रिमाइंडर हम लोग का आ गया जीरो, और जीरो किसके लिए होता है जीरो हमारा संडे के लिए होता है, मतलब कि 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 2021 को संडे था, तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा संडे जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा लेक्चर जो भी पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें, आज के लिए इतना ही था, थैंक यू, मिलते हैं कल न्यू चैप्टर के साथ।